नारायण को आनंद होता है, वो टाला टूली नहीं करता है कि आपने बुलाया और वो नहीं आया, ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो वो आएंगे जरूर। और वो सदैव आए हैं। कुब्जा ने उन्हें पुकारा तो वो आए थे, द्रौपदी ने उनको पुकारा तो वो आए थे, गजेंद्र ने उनको पुकारा तो वो आए थे, प्रहलाद ने उनको पुकारा तो वो आए थे, ध्रुव ने पुकारा तो वो आए थे। और गोपियों ने जब महाराज में चले गए और फिर से रुदन किया और फिर से पुकारा तो वो फिर से आए थे। रुक्मिणी ने पुकारा तो वो वहां भी गए थे, सबरी ने बुलाया तो वो वहां भी आए थे। कोई ऐसी कथा नहीं है कि भगवान को बुलाया और वो वहां नहीं पहुंचे। लेकिन आज उनके भक्त भी उनके बड़े दीवाने हैं। वो कहीं इतराए कि मैं ही अपने भक्तों के लिए बहुत करता हूं, ना ना, भक्तों ने भी बड़ा किया है। आज गोपियां उल्हाना देने नंदरायन के घर आ गई। उल्हाना तो बहाना है, कृष्ण पद में मन को लगाना है, भगवान के चरणों में अपने मन को लगाना है। उल्हाना तो बहाना है, दोष ले रही है कि मैं अपने इष्ट का उल्हाना लेके गई, लेकिन स्वीकार है, दर्शन तो मिलेंगे। आज सुबह सुबह एक टोली नंदरायन के द्वार पे पहुंच गई, बोली आपको लाला बड़ो भारी माखन चोर है, हमारी तो सबरी मटकी पटकी भोर डाली। मैया बोली ये तो कोई बड़ी बात ना है, आप हमारे यहां से ले जाओ जितना माखन चाहिए। मैया गोपी बोली हमका कोई पड़े डोल ले जो आपके यहां से ले जाओ, हमारा अपना माखन है, आपको लाला क्यों चोरा रहे है हमारे यहां। बोले छोटो है ले लेते हो, छोटो तो ठीक है, बंदर भालू ने खिलावे, अपने इष्ट मित्र इतनी लंबी जाकी पलटन है, उन सब ने खिलावे। मैया बोली तुम नीचे मत रखे करो, ऊपर लटका दे करो। अरे आपको ना पतो, ऊपर तो ये सबसे पहले देखे, इधर बिधर को तो बच भी जावे, ऊपर वाले में जाए पतो चला, ताजा मार रखो, नीचे को बासी, नीचे नहीं खाऊंगा। ऊपर वाले को जल्दी लेता है जो ज्यादा ऊपर है, इसलिए भैया कन्हैया के सामने ज्यादा ऊपर होने की जरूरत नहीं है, नीचे वालों का नंबर बाद में आएगा। जो ज्यादा ऊंचा बनना है, जो ज्यादा इतना ऊंचा हो गया है कि नारायण भी विस्मरण कर दिए हैं, उनका नंबर आया रखा है, समझो आ गया। जो नीचे हैं, जो चरणों में पड़े हैं, वो सेफ हैं। जब भगवान अंदर थे उनको शोरगुल सुनाई दिया कि गोपियां तो ऐसे ऐसे कह रही हैं, हमारी तो सबरी सच्चाई पकड़ी गई, तो भगवान वहां से निकल के आ गए। छोटे से कन्हैया है, अभी कोई ज्यादा आयु नहीं है, वहां से आ रहे हैं, आंखों पे बड़ा बड़ा काजल लग रहा है और आंख मीटते हुए वहां से आ रहे हैं। छोटे से कन्हैया अपने कक्ष में से बाहर निकले तो देखे गोपी सोई दौड़ के वापस चले गए। अरे बच्चों हटो, ये कहां से आ गए। एक बार को तो कन्हैया को लगा सपना देखा है क्या, फिर देखा सांच माच है। मैया ने कही, मैया के पीछे छुप गए और वहां से उझक के देख रहे हैं कौन कौन आई है। देखिए सब आई है। गोपी बोली वहां क्यों छुप रहे हो, सामने आओ, अब हिम्मत हो तो मैया के सामने ऐसे करो। नंदरायन ने हाथ पकड़ के आगे ले लिए और जैसे ही आगे लिए, कृष्ण भगवान दोनों हाथ अपनी कमर पर रख के सीधे तन के खड़े है गए। और जो भगवान की ये झांकी देखी गोपियों ने तो सब भूल गए, बोली तृप्त हो गए हम तो, हमें तो आनंद आ गया, ऐसी सुंदर झांकी तो प्रभु ने कभी भी नहीं दी। या लकुटी और कामरिया पे राज तिहू पुर को तज डारो, कोटिन ही कल धौत के धाम, करील की कुंजन ऊपर बारो। संतों ने कहा है कि छोटी सी कमरिया और ये लेक्सी लकुटी तीन लोक का स्वामी, और यहां छटाकवर माखन की चोरी के लिए, और ये छोटी सी काली कमरिया और ये दो तीन फिट की जो लकड़िया के लिए, इसने तीनों पुर का राज छोड़ दिया।
असल में भगवान ने प्रेम के लिए वो सब छोड़ा। भगवान के लिए जो खीर बनाई जाती है, भगवान के लिए जो भोजन बनाया जाता है भैया, उसमें मिष्ठान जो डलता है, चीनी जो डलती है, वो प्रेम की है। उसमें ये कोई शुगर और गुड़ और ये नहीं डलता है, प्रेम से पकाया जाता है। क्योंकि वो तो सब कुछ पहले से सारे स्वाद उसके अंदर मौजूद है। उसे तो ऋषि मुनियों का वो 56 भोग ठुकरा के और सबरी के झूठे पेड़ कैसे तो सबरी ने खाए होंगे, जिसे शुद्धता का भान नहीं, कैसे कैसे बेर खाके खिलाए होंगे, तो बेर में क्या क्या तो लगा चलाया होगा और कैसे तो प्यार से भगवान ने पाए होंगे। तो भगवान ने जो तीनों पुरों का राज छोड़ दिया, चले आए वो प्रेम के बंधन में, चले आए उनकी सहजता से आकर्षित होकर चले गए। अब जब गोपी ज्यादा शिकायत करने लगी तो कन्हैया बोले, अभी इतने प्रेम से आई है बेचारी, सुबह सुबह कहां से कहां से। तो बोले, लेकिन इनको थोड़े और इनको आनंद करना चाहिए। भगवान गुस्सा हो, नाटक तो है ही ऊंचे। दोनों हाथ रख लिए, मैया आते बोले, मैया तो ना पतो क्या क्या है रही है मेरे संग। मैया बोली, लाला कहाँ का है रही है, मैं नए घर से बाहर जाऊं सोई जो गोपी है का, वो हाथ पकड़ के खींच लें अपने आंगन में और मैं मना करूं, मैं सीधा जा रहा हूं, वो चो खींच रही हो माने ना है अम्मा। झटक उतारत काचनी, पहले तुम नंगो कर दे, मुरली ले तो छुड़ाए, मेरी बांसुरिया ले लें जो मुझे प्राण प्रिय। अब ये बता मैया, जे तो इतनी बड़ी हैं और मैं हूं छोटा, मेरी क्या पेश जावेगी इनके आगे, और फिर मोते के नाच के दिखा। अब मो नाचना पड़े, बहुत देर बाद बांसुरी दे मैं, फिर क्या मैं बजा के दिखा। अब मैं तो जे चाकरी कर रहा हूं दिन भर और तू मो गैया चरावे भेज दे, मेरी कोई ना पता चल रही कछु मैं अपने मन से भी कर सकूं ने का। अब जैसे भगवान ने देखा मैया इमोशनल हो गई एकदम, अरे लाला के संग ऐसी ऐसी घटना है रही है बड़ी बड़ी। सो मैया को, जैसे ही मैया को इमोशनल देखा कि मैया थोड़ी भाव में आ रही है, सो भगवान जी ले उड़े भाव। अब भगवान जी बोले, तू जननी मन की अति भोरी, तू बहुत भोरी है मैया, देख ले तू नहीं जाने, इनको कहा पतितायो, इनको कोई ठिकाना नहीं है, और जिए में तेरे कछु भेद उपज है, जान परायो जायो, और इतने पे भी यदि तो को मुंह पे दया नहीं आ रही है, यदि तो तू मेरी विपत्ति को नहीं समझ रही है, तो जाको कारण जे ही है, क्योंकि मैं तेरो जायो ना हूं ना दूसरे को, जय वजह से तू मुंह पे ज्यादा शंका कर रही है, इन पे ज्यादा प्रेम दिखा रही है। मैया तो और द्रवित हो गई कि अरे कन्हैया ऐसे क्यों कह रहे हो। तो भगवान जी बोले, आहा सीधा ही जा रहा है, सो अगलो फिर ले। सो ही भगवान ने अपनी लकुटी कमरिया उतार के, ये ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो, जे तेने मुद्दे हो का कमरिया और जी लकुटिया दे, ज्यादा तो कुछ दे ना, और कितनो कितनो नाच नाच रहा हूं जाके पीछे में, ये ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो।